Very pleasant morning to all my lovely students. Today I am starting chapter number 2 of your political science book, Constitutional Design. In chapter number 1, we have discussed about the democracy. What is the features of democracy? Some arguments for the democracy, some arguments against the democracy, and also we discuss about the how the democracy is practiced in the different countries in a different ways. So the main feature of the democracy is a constitution. वैसे कहें तो the form of government कोई सी भी हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है. तो हमारा जो ये चैप्टर है वो है किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. सबसे पहले इस चैप्टर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में. फाइन, सबसे पहला आपका टॉपिक है इसमें कि डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों जरूरी है, या फिर यू कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट रन क्यों करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें हो गया व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें आपके एसेंशियल फीचर्स आ जाएंगे सारे कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट इन विच अ कंट्री गवर्न. उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंट्री में. यानी सबसे पावरफुल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? पॉलिटिकल जो उसका स्ट्रक्चर बताता है कि वो डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट है, तो वो सारी चीजें कौन रिजेम्बल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट आपका इसमें स्टार्ट होगा चैप्टर विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. हम पढ़ने वाले साउथ अफ्रीका के बारे में. उसमें एक फेमस पर्सनालिटी है नेल्सन मंडेला की, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए. और एक और यहाँ पे है अगेंस्ट अपार्थिड पॉलिसी. अपार्थिड पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स के बीच में जो भी चीजें थी, यानी कि जो व्हाइट पीपल जो डोमिनेट करते थे किन्हें? ब्लैक पीपल को. साउथ अफ्रीका के जो मेन लोग थे, वहां के जो नेटिव पीपल थे, वो क्या थे? ब्लैक. और गवर्नमेंट कौन सी थी? व्हाइट पीपल की. तो उसको हम कहते हैं अपार्थिड पॉलिसी. उनका बहुत ज्यादा क्या किया जाता था? डोमिनेशन किया जाता था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन. तो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. इसके बाद है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से नेल्सन मंडेला जो 28 इयर्स तक जेल में रहे और स्ट्रगल करते रहे किसके लिए? अपने राइट्स के लिए. क्योंकि नेल्सन मंडेला की जो पॉलिसीज थी या जो उनके प्रोटेस्ट के वे थे वो किससे इंस्पायर थे? महात्मा गांधी से, नॉन वायलेंस. और उन्होंने इसी नॉन वायलेंस की वजह से 1994 में साउथ अफ्रीका क्या हो गया? फ्री हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर हुआ. और उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने डेमोक्रेटिक कंट्री के. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना. और उसके बाद गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन एंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. So listen carefully. So student, now first topic of your chapter is the definition of constitution. What is the definition? Definition is a set of written rules or written document that are accepted by the all people living together in a country. जो भी लोग रहते हैं उनके लिए रिटन डॉक्यूमेंट जो सबको एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए रूल्स उसमें इक्वल हो, और उसी के अकॉर्डिंग सारी जो गवर्नमेंट है या कंट्री है रन करती है, उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान. फाइन, नाउ नेक्स्ट
टॉपिक इज व्हाई वी नीड द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी कंट्री को वॉट एवर इट इज डेमोक्रेसी और नॉट, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है. सो फर्स्ट इज इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जस्ट बिकॉज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस and according to their rules and regulations country will be governed. So there is a degree of trust and coordination. सबके बीच में trust होता है, सभी के बीच में coordination होता है. Next is it specific how the government will be constituted. यानी कि किस country की government किस तरह से work करेगी, वो किस में लिखा होता है, constitution में. Means it specify how the government will be constituted, who will be have power to take which decision, कि किसके पास कितने powers है, कौन सा decisions किसके अंदर में आता है, वो सारी जितनी भी चीजें हैं वो किसमें कंपोज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में. यानी कि dividations of power वो सब कौन फिक्स करता है, कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो कोई भी अपने पावर का मिसयूज कर सकता है या फिर वो अपने पावर्स को एक्सटेंड कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. एज यू नो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पार्टी विच हैज मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट, मेजोरिटी मीन्स पावर. So sometimes government can be misuse their powers. So constitutions is very essential just because it lays down the limits on the powers of government. कि वो उसके powers को, constitution उसकी power को क्या करता है, limit में रखता है. यानी उसे अपने power का misuse नहीं करने देता है. इसलिए भी constitutions की क्या होती है, need होती है. हम यहाँ topic करें why do we need a constitution. Last is it express the dispositions of the people about the creating a good society. देखिए constitutions में जितनी भी चीजें होती है वो सबके सामने होती है. तो कहीं ना कहीं एक जो गुड सोसाइटी क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का. दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द country, whatever is this, the democracy or is monarchy government, each form of governments needs the constitutions. Again we have discussed about the what is constitutions. Now next we have discussed about the needs, why do we need the constitution. Our next topic is the constitutional formation in South Africa. Iske next part ke video mein main aapko describe karungi ki kis tarah se कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ साउथ अफ्रीका में. अपार्टाइड पॉलिसी क्या थी, सेग्रीगेशन क्या था, नेल्सन मंडेला कौन थे, किस तरह से उन्होंने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की, उनकी पार्टी कौन सी थी, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो रीड दिस टॉपिक केयरफुली विच आई हैव एक्सप्लेन टूडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.